हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसजी ब्लॉग। और आज है सोनी का बर्थडे और मैं उसको स्पेशल फील कराने के लिए गाड़ी सजवा रहा हूँ। सोनी को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ मार्केट में और आपको दिखाऊंगा कि टोटल मैं कैसे गाड़ी को तैयार करवाऊंगा बर्थडे के लिए स्पेशल। आप लोग के साथ बने रहे गाइस, चलते हैं मार्केट में, आपको दिखाता हूँ मैं। शाम के बज गए हैं 6 और मैं जा रहा हूँ मार्केट में। शाम के 5:30 हुए हैं और मौसम ऐसे लग रहा है जैसे रात के 8 बजने वाले हैं। काली घटा छाई हुई है फुल। हाँ केक बुके रखी जाएगा ना, बुके रखी जाएगा, बुके रखना है। गाइस रात के बज चुके हैं 11 और जैसे कि मैंने ब्लॉग चालू किया था मैंने बताया था कि मैं बाजार में क्या करने गया था और सोनी हो रही है तैयार। इसको भी पता नहीं है कि इसको मैंने क्या गिफ्ट देना है और मैं आपको दिखाता हूँ। सोनी होगी तैयार क्या? बता दो पहले। बड़े अच्छे लग रहे हो। बता दो पहले खाने की ज्यादा। देखो मैं चप्पलें भी कैसी डाली हैं, कोई कपड़े भी। क्यों चप्पलें माड़ी है तेरी? अरे फिर भी उसी हिसाब से बंदा तैयार होता है। अब आप बताइए कहाँ पे जाना है। तेरे लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? पता लग जाएगा घंटे के बाद। नहीं सरप्राइज के अकॉर्डिंग कपड़े ठीक है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि रात को 12 बजे मैं कपड़े क्या चला। तू ज्यादा शेंट मत लगा, भूतनी चिमट जाएंगी तेरे रात को। आजा आजा। गाइस ये मुझे बता नहीं रहे कहाँ लेके जा रहे हैं और मैं ऐसे रेडी तो हो गई हूँ सिंपल से कपड़े, क्योंकि अब 12 बजने वाले हैं। कपड़े मेरे सूट वगैरह भी कोई प्रेस नहीं है। मैं इन्हें बोल रही हूँ बता दो कहाँ पे जा रहे हो, बट बता ही नहीं रहे। बता दो ना, अभी पता लग जाएगा घंटे बाद। घंटे बाद चलो देखते हैं इन्होंने क्या सरप्राइज प्लान करा है। लड्डू गाइज, मैं लड्डू जी को सुला के जा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें क्यों परेशान करूँ। इनका सोने का टाइम हुआ पड़ा है इसलिए इन्हें देखो मैं नाइट सूट डाल के इन्हें सुला के फिर जा रही हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ कि क्या सरप्राइज है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, अब ये नहीं पता कैसा होगा, दिखते हैं चल के। वेट एंड वॉच। गाइज सोनी गाड़ी में बैठी है और मैं अब इसकी आंखों पट्टी बांधूंगा। ये बैठी है। कैसे हो बर्थडे गर्ल? पट्टी बांध रखी है आपने? मैं दिखाता हूँ आपको भी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हैप्पी बर्थडे। और एक गिफ्ट भी दे ली। ओह माय गॉड, वाओ वेरी नाइस। ये ले ये ले। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब केक काट लीजिए। रोज़ इसकी खुशबू दिखाना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। वो केक लिया तू? केक का केक सही है। Dog cuz you were in red. My intentions, I let you turn me violet instead. केक भी लेके आए हो? यम्मी यम्मी केक लेके गाइस। वाह थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सरप्राइज और इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। कहाँ कटवाओगे? हाय हाय सड़क पे केक कहाँ काटे?
यही इधर रख दो ना, इधर सेंटर में रख, यानी काटते होता है, काटते हैं हम। हाँ केक तो दिखाओ, देखो बारिश भी होगी मेरे बर्थडे पे। आज बारिश आ रही है। हैप्पी बर्थडे गुडी। आप और साथ केक कटवाओ ना। कोई बात नहीं, खुद काटो। नहीं अब भी हो रही, आज मेरे को नहीं काट। आजा बेटा जा 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 केक कटवा मम्मा के साथ, जल्दी आ। फूल फेंकने उसका। हैप्पी बर्थडे। ये तो लगना ही था बस। मैंने फेशियल करवाया। अब ये थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा तेरा है। बेबी हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू गाइस। एक प्रॉब्लम हो चुकी है, हैंड वॉश करने के लिए पानी नहीं है। टिश्यू पेपर तो होंगे। टिश्यू भी नहीं है। टिश्यू पेपर तो होंगे, वो भी नहीं है क्या? वो भी नहीं है। ये क्या है? तो ये क्या? ये लो हैप्पी बर्थडे कह दो। हैप्पी बर्थडे। सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। है ना, काफी केक खिला। मेरे को दे दे फोन। गेले तू भी खा करती है जरा। थैंक यू सो मच इतना स्पेशल करने वाले के लिए। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज, और कि मेरे हबी ने मुझे इतना स्पेशल फील करवाया। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का भी बहुत थैंक यू कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया। मेरा भाई यूट्यूब है। YouTube फैमिली आप सभी के लिए भी केक, ये लो मेरी तरफ से। मैंने मिलता है आपका मजा आए ना खा के। कार्तिक पार्टी पार्टी पार्टी। मैंने इसके फाड़े हैं। ओके क्या हो गया? सारे फूल उड़ाई जा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी पड़ी है मेरा बर्थडे खत्म करने की, थोड़ी देर फूल पड़े रहने दो। चिप जाएंगे। चिपकने तो गाड़ी प्यारी है मेरे से ज्यादा। टोना क्यों? गाड़ी सजी है। नहीं गाड़ी सजी है, क्यों झाड़ रहे हो फूलों को? गाइस सभी पॉपअप हो जाता, गाड़ी के बेस चक दिए फूल, गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई थी। हुआ तो नहीं क्योंकि हाँ एसी ऑन रह गया। बर्थडे गर्ल नहीं खींचती यार। पड़े रहे तो फूल कमाल है। आप तो सुबह डिग्गी भी साफ कर दोगे फटाफट। और गाइस बर्थडे एंजॉय करके बहुत मजा आया। मेरे को बुला ही नहीं रहा धीरज, अपना मस्त है वो, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है आपको। बताओ सोनी जी आपको आज का सरप्राइज कैसे लगा? मेरे को आज का सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। गाइस इसने जिद कर रखी थी पहाड़ों पे लेके चलो मुझे, मैं कहा पहाड़ों पे नहीं जाएंगे लेकिन तेरा यही बर्थडे अच्छा बना देंगे। और इन्होंने इतना स्पेशल फील करवाया, ये मतलब पहाड़ों से भी ज्यादा स्पेशल फील करवा दिया। एक लड़की को क्या चाहिए होता है कि उसका हस्बैंड उसे स्पेशल फील करवाए, क्योंकि ना मुझे गोल्ड चाहिए ना मुझे डायमंड चाहिए, मुझे चाहिए था वो सारा कुछ है इसके पास, वो ऐसे है सारा कुछ, बट स्पेशल फील करवाए। तो आपने मुझे स्पेशल फील करवाया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस आपको भी ये चीज अच्छी लगी होगी। गाइस हम घर पे आ चुके हैं, और आते ही मैं जब गई थी खीर बना के गई थी, क्योंकि आज पूर्णमासी है, मतलब शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा पे क्या होता है कि रात को छप्पे खीर का प्रसाद बना के रखा जाता है, और
इस दिन चांद बिल्कुल धरती के नजदीक होता है और कहा जाता है कि रात को अमृत वर्षा भी होती है और राधा कृष्ण को भी बहुत प्रिय है ये दिन। और तो जो भी ये खीर प्रसाद रात को छत पे रख के खाता है तो कोई दुख तकलीफ बीमारी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो स्पेशली मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं प्रसाद के लिए खीर बना के गई थी, रात को छत पे रखूंगी और सुबह अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगी शरद पूर्णिमा के प्रसाद का। देखो खीर मैं बना के गई थी, ठंडी हुई बढ़िया, बस अब इसे छत पे रख के आऊंगी। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की जो किरणें होती है ना उनसे अमृत वर्षा होती है। तो जाती हूँ छत पे, आप सबको भी दर्शन करवाती हूँ शरद पूर्णिमा के चांद के, और कितना ही सुंदर लग रहा है। और आपने देखा हो, नोट करा हो तो आज बहुत ज़्यादा रोशनी रोशनी सी भी लग रही है। मैं भी अब रात के 2 बजे पड़े अब घर पे आई हूँ, जाके पहले छत पे प्रसाद रख के आती हूँ। गाइस खीर का प्रसाद मैंने यहाँ रख दिया है और ये देखो ऊपर चांद शरद पूर्णिमा के दिन, आप सभी भी दर्शन कर लो। ये देखो आसमान कितना अच्छा लग रहा है ना, और ये गोरी खड़ी हुई है।